तो ये देखो बिल्कुल ये मतलब स्टॉप को हटाकर पूरी कैटलेटिक वगैरह हटाकर पूरी फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगी हुई है, और सुने इसकी एग्जॉस्ट नोट। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है ऑन RR 310 BS6 वर्सेस अपने डोमिनार 400 BS6। तो इन दोनों बाइक का बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रखा था गाइस कि इन दोनों की ड्रैग रेस करो, दोनों को कंपैरिजन करो। तो पहली सबसे बड़ी पॉइंट है कि अपनी डोमिनार सस्ती है देन दिस RR 310, तो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है। और दूसरी चीज़, दोनों में USD सस्पेंशन है, दोनों में ABS है। हाँ, इसमें सबसे प्यारी चीज़ क्या है, इसकी एक अच्छी स्पेक्स क्या है कि इसकी पूरी TFT स्क्रीन्स है, और इसमें स्क्रीन में मतलब मॉड्स दे रखे हैं बाइक में, बहुत सारी 3-4 मॉड्स है। तो आप लोग मॉड्स पे चेंज करो अपने अकॉर्डिंग, इसमें अपने मॉड्स सेट कर सकते हो जहाँ पे आपको बाइक चलाना है उसके अकॉर्डिंग। लाइक कभी रेन रहा या फिर आपको ट्रैक मोड है, इसमें अर्बन मोड्स है, तो ये सब मॉड्स है इसमें। और दूसरी चीज़, इस बाइक मतलब इस स्पेसिफिक बाइक में लगी हुई है 80 प्रोजेक्ट की एग्जॉस्ट, जो कि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, फ्री फ्लो, इसमें कोई भी कैटलेटिक कन्वर्टर वगैरह नहीं है, पूरी फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है। तो अब इसमें एक और स्पेक्स बताता हूँ, दिस बाइक इज़ प्योर स्पोर्ट्स बाइक और ये पूरी फेयर्ड बाइक है, एंड डोमिनार इज़ नेकेड बाइक एंड इट्स यूज एज स्पोर्ट्स टूरर, मतलब इस पर हम लोग टूर भी कर सकते हैं, क्रूजिंग भी कर सकते हैं और शहर में भी चला सकते हैं, मतलब ये सब कुछ में काम आ जाती है। बात की जाए प्राइस की और कंपनी की, तो बजाज जो है अपनी वो काफ़ी मतलब कि नॉमिनल प्राइस में आ जाती है, इसकी सर्विस वगैरह भी सस्ती है। और बात करते हैं जब अपने RR 310 की, तो ये पूरी की पूरी BMW के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई बाइक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये रही लोगो, तो ये तो आफ्टर मार्केट लगी पड़ी है। तो गाइस चलो अब बिना लेट किए हुए इसके आप पावर एंड ऑल ये सब आप लोग गूगल कर लेना, बहुत ईजी है। तो मेरे को डोमिनार की पता है, मतलब वो 40 PS है, इसको तो पता है मेरे को, इसका एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं। तो चलो अब बिना लेट के चलते हैं, इसकी ड्रैग करते हैं और देखते क्या होता है रिज़ल्ट। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो कि क्या होगा रिजल्ट, कौन होगी विनर, डोमिनार और RR 310। सो लेट्स गो गाइस एंड चेक इट आउट। सो या गाइस, तो अब मैं चलाने वाला हूँ अपनी डोमिनार 400 BS6 एंड आजम इज ऑन RR 310 BS6। सो लेट्स चेक इट आउट।
सो गाइस एज यू हैव सीन लाइक कि अभी हुआ क्या कि एक तो पहले लॉन्च में थोड़ी सी बिजली लग गई और आर एल थ्री टेन का जो गैप था वो कंटिन्यूसली 172 या 73 मतलब वो लिमिटर हिट कर गई बाइक। हाँ हाँ तो गाइस एज यू नो दैट कि BS6 में लिमिटर है बिजली हुआ। हाँ दूसरा वेट, वेट ये इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है 6-7 केजी का सिर्फ ये है और दूसरे विंडस्क्रीन की वजह से देखा जाए तो मतलब हाँ बाइक भाग रही है मतलब अच्छा क्योंकि इट्स बेटर देन BS4 क्योंकि BS4 स्मूथ। हाँ इसमें देखो और दूसरी चीज इसमें एग्जॉस्ट लगी हुई है और ये फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है पूरी इसकी कैटलेटिक हटी हुई है और ये पूरी फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है गाइस तो आप देख सकते हो। एक बार ये पिलियन सॉरी राइडर चेंज करते हैं पिलियन तो है नहीं तो राइडर चेंज करते हैं। आजम विल बी ऑन माय डोमिनार और मैं चलाने वाला हूँ RR 310 BS6 क्योंकि BS4 तो मुझे बिल्कुल पसंद है नहीं और BS6 का मेरे को सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगता है क्या इसका जो TFT स्क्रीन दिया गया भाई बहुत ही अच्छा है और दूसरी चीज़ इसकी सबसे अच्छी कि इसमें बहुत सारे मॉड्स है सो वी कैन चूज़ द मॉड्स एंड राइड अकॉर्डिंग टू वी आवर नीड। तो गाइस चलो फिर अब चलते हैं एक्सचेंज करते हैं। भैया इट्स टाइम फॉर RR नाउ और मैं चलाने वाला हूँ RR। इस बाइक की एग्जॉस्ट लोड बहुत ही प्यारी है और आपने देखा रिजल्ट कि अभी जैसे लॉन्च में व्हीली नहीं हुई थी आजम ने बहुत सही से लॉन्च किया लॉन्च में ना ये टक्कर देगी बट हाँ फेयरिंग की वजह से फेयरिंग है और ये स्पोर्ट्स बाइक है इसका मीटर एक्यूरेट मीटर है हाँ एग्जैक्टली ये मानते हैं क्योंकि हम 170 तक लगभग जा रहे हैं। हाँ तुम कितने हो गए अभी कितनी टच हुई थी लगभग 170 टच हुआ था तो 168 168 तो हाँ। लो इस हिसाब से देखा एक दो का हाँ। डिफरेंस है दो तीन का डिफरेंस है दो तीन का मैटर कर जाता है बहुत ज्यादा मैटर तो, फेयरिंग होने की वजह से थोड़ा सा एग्जैक्टली लास्ट में भी उतना और दूसरी चीज जब से वो फेयरिंग वगैरह लगा है ना तो टॉप एंड नहीं जा रही है बाइक एग्जैक्टली। हाँ बट फिर भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक 310 cc होकर के अच्छा परफॉर्म कर रही है और हाँ बजट के हिसाब से ये बहुत अच्छा परफॉर्म तो दोनों में प्राइस वैरी भी तो बहुत ज्यादा की। सो गाइस तो जब इसके अपने अभी देखा कि द विनर इज दिस अपाचे RR 310 BS6 एंड डोमिनार इज लूजर कह सकते हो। बाय द वे ये रही अपनी स्पोर्ट्स बाइक एंड दैट स्पोर्ट्स टूरर एडवेंचर जो भी कह सकते हो क्योंकि ये बाइक बिल्कुल टूरिंग के पर्पज से बनी है। शहर में डोमिनार 400 चलाना प्रेफर नहीं करोगे एक तो बाइक की वेट काफ़ी ज़्यादा है ऊपर से शहर में मज़ा भी नहीं आता बिल्कुल चलाने में और ऊपर से जब से ये सब चीज़ लगी है तो शहर में मैं ना ही चलाता हूँ इसे तो इसके एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना तो बहुत प्यारी लग रही है भाई काफ़ी अच्छा है न्यूट्रल करना ज़रा अभी बैकफायर मैंने जब इसका डाउनशिफ्ट कर रहा था ना बैकफायर आ रही थी तो ये देखो बिल्कुल ये मतलब स्टॉक को हटाकर पूरी कैटलेटिक वगैरह हटाकर पूरी फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगी हुई है और सुने इसकी एग्जॉस्ट नोट इतनी पेसफुल है आप लोग ये सुन के बता सकते हो मतलब अभी माइक में जितना भी जस्टिफाई हो रहा होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कितनी अच्छी आवाज़ है इसकी। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फिर एंजॉय दिस वीडियो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को जो भी नए हो और कमेंट करके बताओ किन चीज़ों पर ट्रैक चाहिए और
अभी राइड वाइड का प्लान कर रखा है मैंने, तो थोड़ी लंबी राइड की, तो उस चीज़ पे भी आगे वीडियो आएंगी, स्टे ट्यून फॉर दैट। और एक बार थोड़ा और भगा के देखता हूँ मैं। मैंने नोटिस किया अभी, लाइक इस बाइक की फिफ्थ गियर पे 150 जाती है, जो कि सेम मेरे डोमिनार के भी जाती है, बट जो डिफरेंस है वो है कि ये थोड़ी जल्दी जाती है ड्यू टू इट्स स्पोर्ट्स वेरिएंट, क्योंकि ये स्पोर्ट्स वेरिएंट में आती है और वो एडवेंचर है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे और शेयर भी नहीं कर रहे वीडियोज़ को। और भाई कहाँ गए आप लोग, मतलब जो कह रहे थे कि अपाचे की वीडियो लाओ, अपाचे की वीडियो लाओ, तो ये रही अपाचे की वीडियो, आप लोग के लिए स्पेशल था, तो जल्दी से आ जाओ और देख लो इस वीडियो को। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।